Aykra. Let's now talk about the Chandigarh mayoral elections that have been engulfed with controversy ever since it took place on the 30th of January. Ek naya twist samne aaya, ek video samne aa raha hai jahan par presiding officer Anil Masih ki बैलेट पेपर पे साइन करते हुए और उस पर कुछ निशाना लगाते हुए जो वीडियो, पर ये एक्टिव वर्कर बताया जाते हैं बीजेपी की, ये ऑपोजिशन बात कर रहा है यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और वो बैलेट वोट्स पर एक टिक मार्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पे चंडीगढ़ म्यूरल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जब चुनाव हुए थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वहीं पर हमले पे उतर आई थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स, लेकिन कैमरे में कुछ और तस्वीर सामने आ रही है। अब वहीं पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आए कि आखिरकार वो क्या लिख रहे थे उस बैलेट पेपर पर, क्योंकि अब उन्हें सीधा इनवैलिड करार देना चाहिए। अब आफ्टर क्लोजली स्क्रूटिनाइजिंग द वीडियो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि उस दिन मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है एंड ही हैज बीन पुल्ड अप। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रिमार्क्ड दैट द इवेंट्स ट्रांसपायर्ड वाज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। द एपेक्स कोर्ट इज नाउ एम्फसाइज्ड दैट इट विल नॉट अलाउ दिस एंड द सुप्रीम कोर्ट इज आस्क्ड व्हाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज लुकिंग डायरेक्टली इन द कैमरा लाइक अ फ्यूजिटिव। It has also asked him to be present before the court on the 19th of February to explain his conduct. Swami Vivekananda proudly said to the people of the world that I am proud to belong to a religion which has taught the world universal acceptance and tolerance, which has taught the world not only the universal acceptance and toleration but also believe that all the religions in the world are true. I am proud to belong to the nation which has sheltered all the persecuted religious persons and refugees to this nation. The entire proceeding was made to make a drama out of it. You must have seen a day before the Chandigarh issue was going on, and in the Chandigarh issue the vote ki chori was captured in the video camera live. So entire country was just debating about it, discussing about it. So they thought, boss, let us divert this attention from this Chandigarh issue to something else. So they made up this story, Nautanki, and they sent one officer. The officer, nothing to do with the officer. These officers are under pressure from their bosses. It's a pure politics, pure gimmick. And that is precisely in today's my parliament speech, I said, the institutions are being destroyed. अब वहीं पर आरजेडी भी हमले पे उतर आई है बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो डेमोक्रेसी को किस तरह से उसका कत्ल किया जा रहा है, ये जाइब लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी और उनके नेता। एक बार अदिति के पास चलते हैं, क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता अदिति? जी अमिता, आरजेडी और सभी विपक्ष पार्टियां अब ये चाहती हैं कि क्या बीजेपी एक्शन लेगी प्रिसीडिंग ऑफिसर के खिलाफ आफ्टर एससी रैप एंड नाउ द ऑपोजिशन इज डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द प्रिसीडिंग ऑफिसर। आरजेडी बोल रही है कि लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले लोकतंत्र भाजपा के विरुद्ध खड़े विपक्षियों के लिए आरक्षित है। सो हियर बाय सेइंग दैट विल द सेंटर टेक एक्शन अगेंस्ट दिस प्रिसीडिंग ऑफिसर हु वाज कॉट ऑन कैमरा, द एससी इज ऑल्सो सेइंग इट एंड कॉलिंग इट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और आर द एक्शंस एंड ऑल द स्क्रूटनी इज जस्ट केप्ट फॉर द ऑपोजिशन लीडर्स। धन्यवाद आपका अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और यही हमने देखा आरोप ना सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।